भिंड में बाढ़ के बाद हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन भी मदद के नाम पर सर्वे करा रही है, लेकिन रोन जनपद के बाढ़ प्रभावित ग्रामीण इस सर्वे में सचिव की अनियमितताओं और मनमानी के चलते स्वयं को मिलने वाले लाभ से वंचित होते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि उनके साथ हो रही नाइंसाफी को लेकर अब ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि मामला भिंड जिले के रौन तहसील के ग्राम पिढोरा का है, जहां बीते कुछ दिनों पूर्व गांव में आई अप्रत्याशित बाढ़ ने पूरे गांव को डुबो दिया। बाढ़ ने पूरे गांव के लोगों को ऐसा दर्द दिया कि ग्रामीण जन जीवन भर इस दर्द को भुला नहीं पाएंगे। ऐसे में पूरा गांव से प्रशासन के रहमो करम पर है। यहां बताना मुनासिब होगा कि बीते 4 अगस्त को भिंड से गुजरी सिंध नदी और चंबल में भीषण बाढ़ आई थी। इसमें जिले की 67 पंचायतें बाढ़ की चपेट में थी। सबसे ज्यादा नुकसान सिंध नदी के किनारे बसे गांव में हुआ। सैकड़ों परिवार पूरी तरह तबाह हो गए। गनीमत रही कि इस बाढ़ में कोई भी जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रशासन को प्रशासनिक अमलों की टीम गठित कर बाढ़ पीड़ितों को रहने खाने मुआवजा राशि के आवंटन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए, मगर धरातल पर ये प्रक्रिया शून्य नजर आती है। ग्रामीण बाढ़ में डूबे अनाज को सूखा कर खाने को मजबूर हैं। ये नज़ारा स्वयं ओपीएस भदूरिया के अनशन स्थल पर दिखाई दे रहा था, मगर प्रशासन इस पर मूक दर्शक बना देख रहा है। ग्रामीण जन शासन के द्वारा भौतिक परीक्षण कर अपनी जांच के उपरांत मिलने वाली राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, मगर ग्रामीण जन की बंधी आस पर उस समय टूट गई जब पंचायत सचिव के द्वारा घर बैठे मनगढ़ंत रिपोर्ट बनाकर जिला पंचायत को सौंप दी गई। इसकी जानकारी ग्रामीण जन को पंचायत पर चस्पा सूची से मिली तो ग्रामीण आग बबूला हो गए और पंचायत सचिव के इस्तीफे की मांग करने लगे। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया और ऐसे अनशन की खबर मेहगांव विधायक और राज्य मंत्री ओपीएस भदूरिया को लगी तो वो भी ग्राम पिढोरा पहुंचे और वहां पर ग्रामीणों की मांग पर सर्वेक्षण के निर्देश दिए। पूरी खराब है, बैठने को ठौर नहीं है, पढ़ने को ठौर नहीं है। सरकारी जगह में पड़ रहा है, पंचायत भवन में है, चौपन को चारों नहीं है। हम लोग के कपड़ा लगता सब देखा नदी में, अब हम क्या करें। तो सेक्रेटरी के माध्यम से आपको कुछ मदद मिली है? सेक्रेटरी सुनो, सेक्रेटरी को जो को पैसा दे दे तो आपको काम कर दे। आज जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसका कारण क्या था? कारण यही था जो हम लोग छूट गए, वंचित रह गए शासन के लाभ से, हमारा नुकसान हुआ, उसकी भरपाई नहीं हो पाई। तो इसमें कई विसंगतियां नजर आ रही हैं? हाँ, विसंगतियां भी नजर आ रही हैं। इसमें किसकी गलती पाई जा रही है? गलती पंचायत सचिव की। सर, ग्रामीण जो असंतुष्ट हैं सर्वेक्षण से, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वे में पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी। अभी मैंने सबके समक्ष ही SDM और तहसीलदार को निर्देश दिए हैं, दोबारा से सर्वे करवाएंगे और सूची विधिवत पंचायत भवन में प्रकाशित होगी। 2 दिन का समय भी देंगे, इसलिए उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति जिसका नुकसान हुआ है उसकी पूरी भरपाई। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या 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 कर रही है? बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन उपलब्ध कराया है।